दुकानदारों ने धनंजय गोसावी पर लगाया धमकाने का आरोप और आरोपों को किस तरह से खारिज किया धनंजय गोसावी ने, इस खबर में हम आपको सुनाएंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा दारुल फलाह मस्जिद के पास अली चैम्बर इमारत के सामने 3 से 4 दुकानें मनपा ने कुछ साल पहले रोड वेंडिंग में तोड़ दी थी, मगर अब वहाँ उस दुकान को बनाने को लेकर विवाद चल रहा है। अली चैम्बर इमारत के जो 8 दुकानें हैं वो तोड़े गए दुकानों को उनके दुकान के सामने बनाने का विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जब हमने ये दुकानें ली थी तब हमारे दुकान के सामने कोई भी दुकान नहीं थी, हम किसी भी कीमत पर दुकान नहीं बनने देंगे। इसलिए इन 8 दुकानदारों ने, जिनके नाम हैं शहजहां अब्दुल नूर, अब्दुल सत्तार, शब्बीर खान, उस्मान शब्बीर खान, मोहम्मद मतीन, संतोष वसंत, अहमद अली, रामजी यादव ने मुख्यमंत्री से लेकर मनपा आयुक्त तक इसकी शिकायत की है। साथ ही कोर्ट में भी केस दर्ज कराया है जिस पर 31 तारीख को सुनवाई होगी। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि मनपा कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने उन्हें दुकान से रोड के बीच तक माप लिया है। 73 फीट माप उनके दुकान के शटर तक पहुंच रहा है, तो ऐसे में मनपा ने जो दुकानें तोड़ी थीं वो दुकानें कहां से बनाकर देंगी। मगर दुकानदारों ने गोसावी पर आरोप लगाया है कि गोसावी ने दुकान बनाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि दुकान के सामने दीवार उठा दूंगा अगर तुम लोग दुकान नहीं बनने दिए तो, फिर देखता हूँ कैसे धंधा करते हो। वहीं कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी का कहना है कि जो दुकान तोड़ी गई थी उसका परमिशन मनपा कमिश्नर से लेकर ही दुकानें बनाई जाएंगी, वो भी तब उन्हें दुकानें बनाकर दी जाएंगी जब रोड से 73 फीट रोड में लेने के बाद अगर तोड़ी गई दुकानों की जमीन बचेगी तो उन्हें दुकान बनाने का परमिशन दिया जाएगा। इस पूरे मामले में किस तरह से धनंजय गोसावी पर दुकानदारों ने आरोप लगाया है हम आपको सुनाते हैं। 2016 के अंदर यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, यहाँ 4 दुकान थी पहले। कार्रवाई होने के बाद वो डिवाइडर से 75 फुट शटर तक के आ रहा है, तो हमको नोटिस दिया, बुलाना किए गोसावी ने प्रभात पे। हम लोग गए, गोसावी हमको क्या बोल रहा है कि मैं आऊँगा वहाँ पे माप लूँगा जगह का, अगर 75% आता है तो मैं वहाँ कुछ नहीं करूँगा और 70% पर नहीं आता है, बचता है तो उसके अंदर मैं बनाऊँगा, मैंने भी परमिशन लाया हूँ, ऐसा बोलता है। क्या बनाए, क्या चीज़ बनाएंगे? गाला बनवाने बोल रहा है, दुकान के सामने गाला बनाने बोल रहा है। फिर हम लोग, जब भी तुमने तोड़ना ही नहीं था फिर तोड़ दिए, तो फिर वापस से आ रहे बनाने के लिए। अब वो कौन पैसा दे रहा, कौन क्या कर रहा ये नहीं मालूम, लेकिन इसके अंदर गोसाई आता है बार बार, और गोसाई हमको दादागिरी बताता है, बोलता है तुम लोग हमको यहाँ गाला नहीं बना दे रहे यहाँ पे तुम लोग हमको, तो हम क्या करेंगे वहाँ तुमको तुम्हारा इधर दुकान के सामने दीवार उठा देंगे, फिर तू धंधा कैसे करता फिर मैं देखता हूँ। किसने कहा ये बात? गोसाई ने किया कल शाम में 6 बजे। आप सभी दुकान वालों को कहा है या सिर्फ आपको कहा है? सभी दुकान वालों का है, सबको कहा है। हाँ, 8 दुकान वालों को। आपकी भी दुकान है यहाँ? हाँ, हमारी ये दुकान है इधर पे। क्या कहा? बोलो क्या? शाम को आके धमकी देके गया था। शाम में आके धमकी देके गया है कि मतलब दीवार बना देंगे तब आप लोग धंधा कैसे करते हैं, तो उसकी धमकी, वो किस वजह से धमकी दे रहा है उससे पूछो गोसावी से। जब दुकान मतलब वो तोड़ दिए तो जब आके गवर्नमेंट ने, तो फिर वापस तुम क्यों बना रहे और यही जगह पे क्यों बना रहे? स्टेशन तक पूरा एक लेवल में है ना यहाँ से, तो बनाओ फिर सब आगे बनाओ, सब तो एक ही लेवल में आ रही ना यहाँ से स्टेशन तक के। मैं खुला पैसा खाया, क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ नहीं? हम लोग की दुकान के आगे दुकान बना देंगे तो तकलीफ नहीं होगी हम लोग का धंधा पानी पे? दुकान नहीं थी, नहीं थी इधर दुकान जब हम लोग ने दुकान खरीदी, बस मैं इतना ही जानती हूँ। किसी की दुकान के आगे दुकान बना देंगे तो कैसे? मैंने दुकान खरीदी हूँ। क्या जो दुकान यहाँ पर तोड़ी गई, जो दुकानें यहाँ पर तोड़ी गई उसके बाद फिर अब जो दुकानें यहाँ पर बनाने की बात सामने आई है, तो आप लोग जो कोर्ट में गए हैं वो क्या, किस मुद्दे को लेकर कोर्ट में गए? इसी मुद्दे में ले गए हम लोग कोर्ट में कि पार्टी जो है तो गोसाई को बनाए, क्योंकि आसन हमको क्या दिया गोसाई ने, हमको बुलाना किया था और नोटिस दिया था, हम लोग नोटिस पे गए जाने के, वहाँ क्या बोलता है मोबाइल में भी उसकी बात हमने
वो की है, रिकॉर्डिंग की है। अब वो क्या बोल के हमको दिलासा दिया था कि तुमको हम डिवाइडर से 75 फुट मोदेंगे, सर्वे कराएंगे वापस से, और उसके बाद नहीं रहेगा तो नहीं दूंगा मैं। और 75 फुट डिवाइडर से डायरेक्ट सडर पे जा रहा है, और अक्सा होटल के पास वहाँ पे उन लोग खुद ही 4 महीना पहले आके पूरा सर्वे किए, और वहाँ पे उन लोग ने वो मार्का मारे, अपने हाथ से मार्का मारे। फिर ये अभी क्या है ये सब, हम लोग को हार्ट अटैक आ जाएगा कुछ तो क्या आ जाएगा। जब हम लोग ने जगह लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जैसे कि अभी आपके दुकानदार जो यहाँ पर हैं वो सभी लोग बता रहे हैं कि जो है गोसावी आए थे, आप सभी लोगों को धमकी देकर गए हैं कि दुकान के सामने अगर नहीं गाला बनाने देंगे तो हम लोग यहाँ पर दीवार उठा देंगे, क्या सच बात है ये? हाँ एकदम सही बात है, सही बात है, बोल के गए हो कि दुकान के सामने हम लोग दीवार बनाएंगे। अगर यहाँ दुकान के सामने दीवार बनेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को पे हम लोग का रोजी रोटी कैसे चलेगा? हमारा धंधा पानी तो बंद हो जाएगा। फिर बनाने की वजह कुछ बताई उन्होंने, क्या कहा? वजह तो कुछ नहीं बताई है, बस वो अपना गुस्सा उतार रहे इधर। क्यों आखिर, क्या बात है कि हम लोग गाला नहीं बनाने दे रहे करके? हम लोग गाले वो बनाने को बोल रहे, वो तो यहाँ 4 गाले थे, 4 का 8 बनाने के चक्कर में वो लोग 8 से 10 बोल रहे, 10 गाले। हाँ 4 गाले थे, उसका 10 गाला बनाना चाहते हैं। 10 गाले बना, हाँ 10 गाले बनाएंगे वो, उनका ऐसा चल रहा है अंदर से, गाले बनाएंगे, भाड़े पे देंगे, बेचेंगे, और पीछे वाला कहाँ जाएगा? तो पीछे दुकानदार है, 35 साल धंधा कर रहा हूँ, कहाँ जाएगा? दुकानदारों का आरोप है कि गोसावी ने धमकाया है उन्हें, और मगर गोसावी का कहना है कि मैंने किसी को नहीं धमकाया है, इल्ज़ाम जो मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। धनंजय गोसावी ने फ़ोन पर क्या कहा है सुनिए। जो उधर दारुल फला मस्जिद कैली चैम्बर बिल्डिंग है, अली चैम्बर, हाँ, तो उधर जो है रोड का कितना माप, 75 फीट का जो है आपने माप लिया है, तो लोगों का आरोप है कि आपने 50 फुट ने 73 फीट लिया, जो हमारे डीपी में वो लिया 75 ना, 73 अच्छा, तो लोगों का आरोप है कि आपने धमकी दिया उन लोगों को जो है कि आप लोग यहाँ पर दुकान के सामने गाले बनने दे, नहीं तो फिर जो है आप लोगों के दुकान के सामने जो है मैं दीवार उठा दूंगा। नहीं नहीं, मैं दिया है उसको, उसका ऐसा है कि जो आदमी पहला बच है ना, हमारे डीपी के बाहर जो जगह बचती है वो बोलता है कि हमारे सामने दुकान नहीं बनती है। अच्छा। मैं बोला उसकी जगह बचेगी तो दुकान बनेगी। अच्छा। नहीं बचेगी तो नहीं, नहीं बचेगी। नहीं, उन लोगों का यह आरोप और है कि जो है आप बोले हैं कि मेरे खिलाफ कोर्ट में कौन गया है, जो मेरे खिलाफ कोर्ट में गया है मैं उसके दुकान के सामने दीवार बांध दूंगा। नहीं नहीं, कोर्ट में गए वो नहीं, कोर्ट का ऑर्डर था, हाँ, झूठे केस में, झूठे केस में फंसा दूंगा, ऐसा सब धमकी दिया आपने। ऐसा कोई हम नहीं बोलते कभी इधर इधर। हाँ अच्छा, तो यानी जो आपका 73 जो ऐसा वो झूठ बोलता है ना, बोल के गुस्सा आता है, ऐसा है ना, यही तो झूठ बात करते है ना, ये जो बोल रहे है ना ऐसा। तो आपने धमकी नहीं दी उन लोगों को किसी भी तरह? मैं धमकी किसी को नहीं देता है, मैं ये बोलता हूँ कि जिसकी जगह बचेगी डीपी के बाहर उसको दुकान बनाने के लिए मैं कमीशन का मंजूरी लिया है, उधर दुकान हो जाएगा। तो उन लोगों का कहना है कि दुकानें जो है यहाँ पर 3 से 4 दुकानें थी, लेकिन आप जो है 10 दुकान बना रहे हो। 3 से 4 दुकानें रहेगी तो 3 से 4 ही दुकान हो जाएगी। अपने पास फोटो क्लिप है, जो दुकान तोड़ी है उसकी क्लिप है, जितने दुकान क्लिप में दिखेंगे उतने दुकान बनेंगे। और ये कैसा नहीं, बाजू वाले उधर टोटल 14 दुकान है ना, तो 14 दुकान में से कैसा था, 2 दुकान 1 गली अंदर जाने के लिए, 3 दुकान 1 गली अंदर जाने के लिए, उधर के लोग बोलेंगे। और उन लोगों का मीटिंग लिया था तभी, उन लोगों ने कैसा दुकान था, कितना दुकान था, अपने पास लिखित है। अच्छा। हाँ, उनको सब लोगों को बुलाया था एक दिन, मगर दूसरे की जगह रहेगी, सातबारी की जगह है, वो भी ऐसी नहीं ना। और नहीं, लोगों का कहना है कि अगर 7-12 की जमीन थी तो फिर उसको तोड़ा क्यों गया, फिर जो दोबारा तोड़ा क्यों गया डीपी दुकान, उधर ऐसा कोई स्लैब का आरसीसी का दुकान नहीं था, कटर से कट करने के लिए, ईट बांधकाम का दुकान था, सब लोगों का पत्रा था, तो पत्रा तो एक पत्रा 10 फुट का पत्र तो पीछे टूटेगा ही ना, आगे दीवार तोड़ेगा तो पीछे की दीवार टूटेगी ना, धोखा देख रखने के क्या।
एक तरफ धनंजय गोसावी पर आरोप लग रहा है तो वहीं धनंजय गोसावी सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं, मगर दुकानदारों ने कोर्ट में केस किया है। 31 तारीख को इस पर सुनवाई भी है। तो वहीं धनंजय गोसावी ने उनके आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए आयुक्त से परमिशन लेकर दुकान बनाने की बात की है। तो वहीं अगर उनकी ज़मीन अगर बचेगी तभी ये दुकान बनाई जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।